सत श्री अकाल ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ जगजीवन मीत। इस वेले की वड्डी ते अहम खास खबर आ रही है मोगा तो। मोगा दे विच जे मैं खबर की गल करा तो पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगे ने। गल करिए कॉलेज की जिथे मैच वेख रहे सी पाकिस्तान ते जिहड़ा इंग्लैंड दे विचाले T20 का मैच हो रहा उहनू वेख रहे सी विद्यार्थी, उहनां दे विचाले एक वड्डी खबर आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगे ने। कहा जा रहा है कि एक पासे बिहार के स्टूडेंट से दूजे पासे कश्मीर के स्टूडेंट, जिहड़ी दोनों पासे कह सकते हैं। खबर यह आ रही है कि उन्होंने विचाले किसी गल नूं लैके गहमा गहमी होंदी है ते उस तों बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए जाते हैं। हालांकि बिहार के विद्यार्थी ने इल्जाम भी लाए हैं कि उन्होंने उत्ते जिहड़े हैगे ने इट पत्थर रोड़े चलाए गए हैं। कई विद्यार्थी जख्मी भी दसे जा रहे इस मामले के विच। दूजे पासे खबर यह भी है कि जिहड़े कश्मीरी विद्यार्थी ने उन्होंने बिहार के विद्यार्थियों से इल्जाम लाया कि उन्होंने इस्लाम नूं मंदा चंगा माड़ा बोलिया ते उस तों बाद गुस्से विच आ के उन्होंने जिहड़ा हैगा इट पत्थर वराए ने। हालांकि एक कॉलेज के विच मोगा का कॉलेज दसिया जा रहा जिहदे विच विद्यार्थियों के विच किया जा सकता है कि जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के जिहड़े नारे हैगे ने वह लगाए गए हैं। हालांकि विद्यार्थियों के आपो अपने तर्क ने, विद्यार्थियों ने एक दूजे ते गंभीर जिहड़े हैगे ने इल्जाम लाए ने। पर दूजे पासे जे किया जाए कॉलेज प्रशासन की गल करिए तो उन्होंने वालों कोई भी जिहड़ा हैगा पुष्टि जिहड़ा बयान हैगा नहीं है। पर तुसीं नाल उहनां तस्वीरां वेख रहे हो किवें जिहड़े हैगे ने विद्यार्थियों विच इट रोड़े चले ने। हालांकि विद्यार्थी जिहड़े ने एक पासे विद्यार्थी बिहार दे ने ते दूजे पासे कश्मीर नाल संबंधित जिहड़े हैगे ने विद्यार्थी दसे जा रहे हैं। ते जिहड़ा सब तों पहली गल कि जिहड़ा एक पासे उन्होंने बयान दिता हैगा विद्यार्थियों ने, उन्होंने यही कहना कि दूजे पासे जिहड़े विद्यार्थी कांग्रेस जिहड़े अपने कह सकते हैं कि जिहड़े कश्मीर वाले पासे विद्यार्थी से उन्होंने वल्लों बकायदा तौर पर यह इल्जाम लाया गया बिहार के विद्यार्थियों उत्ते कि उन्होंने इस्लाम नूं जिहड़ा हैगा माड़ा चंगा बोलिया। इस तों बाद गुस्सा जिहड़ा हैगा उन्हां दा हिसाब उतरिया क्योंकि मैच की गल करां तां मैच विच भी जिहड़ा पाकिस्तान की हैगी करारी हार हुई इस मैच के विच भी। तां दूजे पासे बिहार के विद्यार्थियों का अपना तर्क है, एक एक करके विद्यार्थियों ने की कुछ किया है, मीडिया सामने की कुछ खुलासे किए हैं, वो भी नालों नाल सुनते हैं। मसला ये हुआ है इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था सर जी, इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान इंडिया से हाईलाइट दिखाया वहाँ पे, तो इन्होंने मेरे तो हम लोग की तरफ दिखाकर इस तरह उंगली किया, तो हम लोगों ने भारत माता का नारा लगा। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाने लगे और बोलने लगे कि हुर 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 जो बोलते हैं कश्मीर में, ऐसे बोलने लगे। बताइए उस पर पत्थर करने लगे, वार्डन सर है हमारे उनको भी चोट लग गई सर। बताइए सर हिंदू बंदों को चोट लगी है सर, 3-4 बंदों को चोट लगी, किसी का हाथ फट गया है, किसी का गोड़ फट गया है सर, कश्मीर के बंदों ने मारा है, कश्मीर के बंदों ने मारा है सर। सर हम लोगों ने केवल सपोर्ट किया इंडिया का कि इंडिया भारत माता की जय बोला इस तरह सर। तो ये सर बताइए आपकी इंडिया में रहकर आप पाकिस्तान का नारा लगाइएगा इलीगल है कि नहीं सर, इलीगल है कि नहीं? आप उसके साथ कोई भी उसका साथ देगा इंडिया में तो देशद्रोह कहलाएगा कि नहीं? देशद्रोह कहलाएगा सर। हम ये चाहते हैं इन पे देशद्रोह का केस लगे, इनको सजा दी जाए। जो देश पुलवामा अटैक किया हम उसको बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हमारा जमीन है, लेकिन कोई पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ नहीं बोल सकता है, हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने देंगे। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग इस्लाम को गाली देते राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र हम मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, पहले गाला पकड़ लेते इसका, हम मुस्लिम है, हम पहले गाला पकड़ते हैं इसका, ज्यादा मुस्लिम इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत को माता मानते हैं सर, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था सर, इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो रहा था, जब इंडिया का हाईलाइट दिखाया था कश्मीर के बंदों ने हमारे तरफ ये करके दिखाया, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला भारत माता का नारा लगाया हम लोगों ने, उस पर इन्होंने पत्थर वत्थर और पाकिस्तान का नारा लगाने लगे कि पाकिस्तान जब भी इंडिया हारती है। झगड़ा इस बात के लिए हुआ कि इससे पहले इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच था, उस दिन कश्मीर और जम्मू के कुछ लड़के इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया का विकेट गिर रहा था, इंडिया हार रहा था, ये लोग सेलिब्रेट कर रहा था, हम लोग को दिल पे चोट लगा। उसके बाद हम लोग ने मैनेजमेंट से भी बोला, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लिया, बोला मैनेजमेंट, उसका भी वीडियो है, मैनेजमेंट बोला कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्टर है कि इंडिया का सपोर्टर है, ठीक। हम बोले कि ये देश हमारे जमीन के अंदर पड़ता है, हमारे बॉर्डर के अंदर पड़ता है, यहाँ पे इंडिया का 1000 बार नारा लगेगा जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान का हम एक बार भी नहीं लगने देंगे, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश है, और उसका यहाँ पे नारा लगेगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? अपोज किए हमारे 4 लड़का को, ये लोग घायल कर दिया। आज नारा इसलिए लगा, इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, मारपीट पे उतर गया,
हम लोग इंग्लैंड जिंदाबाद बोल रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहे थे, तो वो लोग हम लोग को मारपीट पे उतर गया, तीन चार लड़का उसमें घायल हुआ, हम लोग की तरफ से भी मारपीट में हम लोग भी पार्टिसिपेट किए। कौन लोग? वो लड़के अस्पताल में चले गए हैं, अभी अस्पताल में है, उसका काफी ब्लीडिंग हुआ है, ब्लीडिंग का जख्मी है इसमें। कितने? चार पांच बंदे जख्मी हुए हैं। हम लोग सर सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में वार्डन सर से, सिविल हॉस्पिटल में ये लोग पत्थरबाजी कर। और रहा बात सर जी सबसे बड़ा फैक्टर, ये लोग बोल रहा है कि इस्लाम के खिलाफ बोला है, कुछ नहीं, ये लोग से ज्यादा ना इस कलेजा में इस्लाम बसता है, इस कलेजा में बसता है, मुस्लिम भी है सर, हम पहले इसका गला काटते हैं, पढ़ने आयो ये सब जी वो मानते हैं पढ़ने का सर, इसका मतलब ये नहीं है देश विरोधी बात सहेंगे, पढ़ने हम नहीं सहेंगे पाकिस्तान का समर्थन, हम इंडियन है, इंडिया का समर्थन, अगर मजहब पे अटैक होता तो पहले हम पकड़ते, हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, हम भी पूरे मजबूती से इस्लाम को मानते हैं, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोला तो पूरे बिहार का मुस्लिम से पूछ लिया जाए, यूपी के अगर एक भी लड़का बोलेगा हम मुस्लिम है, कम से कम मुस्लिम और शायद ये लोग से बढ़िया मुस्लिम है, हम दारू शराब नहीं पीते हैं, उस तरह का मुस्लिम नहीं है, आपको नहीं बोल रहे हैं, देख रहा हूँ कैसा नियम है, एक देश में रहकर दूसरे देश का विरोध करना ये कैसा नियम है, तुम में घुस के कत्ल कर देंगे, ऐसा भी दो चार लड़का ने आवाज उठाया कत्ल कर देंगे, ऐसा बोला कश्मीर के लड़के चार पांच उसमें बैठा हुआ है, बोला रात में रूम में घुस के, आज हम लोग पे खतरा है इसलिए हम लोग आर्मी को फोन किए, आर्मी बोला कि एक दो दिन रुको हम लोग आ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिसबा है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में हूँ, मसला ये है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला ये मैच की वजह से लड़ाई होती है, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, जिस मर्जी का भी मैच हो, लड़ाई तो होती होती है, क्योंकि जो भी हमारे लड़के बिहार के होंगे, जहाँ के भी होंगे, वो हमेशा पाकिस्तान जो हमारा देश है उसके एंटी रहते हैं, वो चाहे हम जो हैं पाकिस्तान के भी कोई भी, हम मैं तो मैच देखता ही नहीं, ना मैं किसी की फेवर में रहता हूँ, मैं तो आज भी मैच देखने नहीं गया था, तो मुझे ये ऐसा पता लगा कि क्या हुआ वहाँ पे, किसी ने इस्लाम को गाली दी है शायद, अगर इस्लाम को गाली दी उसकी वजह से जो भी मेन लड़ाई हुई है वही लड़ाई हुई है, तो बाकी सबसे पहले तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वार्डन सर को, यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वार्डन सर होने चाहिए। बबूली जी गल सी इन्हों की आपस च, एक छोटा मैच चलता पाया इंग्लैंड का पाकिस्तान का, उस दौरान आपस लड़ पे है, माहौल ठीक हो गया है, दो बच्चों से सट्टा बजी भी हॉस्पिटल बचाते हैं, बबूली सट्टा हो, कोई ऐसी कोई गल नहीं, ऐसी ऐसी कोई पता लगे कहते जी पाकिस्तान जेड़े जिंदाबाद या कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद नारे नहीं लगे। कॉलेज पहुंचे हुण किस तरह स्थिति है जी? ठीक है माहौल, हुण सारा माहौल ठीक है, बच्चे अपने अपने कमरे चले गए हैं, जिन्हें बच्चे मामूली चोटें आई हैं उनको पर ठीक है। सर ऐसा हुआ कि सारे बच्चे मैच देख रहे थे, इधर से भी मैच देख रहे थे और उधर से भी, कश्मीर का बच्चा है जो मैच देख रहे थे, यूपी बिहार के भी बच्चे सारे मैच देख रहे थे, तो उधर से वो सब नारा लगा रहा था हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद ऐसे कर रहा था, तो इधर हम लोग बिहार यूपी वाले बच्चे जो था वो बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया में रहकर ऐसा करना उचित नहीं है, फिर वो सब लगा गाली ग्लोज वगैरह देने सब बच्चों को, कहने लगा क्या क्या करोगे क्या करोगे ऐसे करके, पूरा मतलब मारने के मूड में आ गया सबने, और सबका गाला वगैरह दबाने लगा हमारे सीनियर वगैरह भैया लोगों, फिर इधर बाहर निकला पूरा हंगामा हो गया, फिर वार्डन सर आए, राकेश सर, बीजे सर आए, दो मतलब दोनों ने मामला को साइलेंट किया, फिर भी शांति नहीं हो रहा था, फिर उधर की गया सब, हम लोग तो ये मतलब पता ही नहीं था कि ये सब पत्थरबाज भी है, पत्थरबाजी करता है, ऐसे ईंटा वोटा फेंकता है, अब पहले से उस सब का प्लान था, बहुत सारे ईंटा वहाँ रखा था, फिर उधर से ईंटा एकाएक लगा चलाने, बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए, जानलेवा हमला कर दिया सब इतना, फिर वार्डन सर थाने को फोन किए, पूरे थाने पहुंची, थाने पहुंचने के बावजूद भी पूरा ईटा पत्थर चलता रहा, छत पर से, खिड़की से, नीचे से, बहुत सारे ईटा पत्थर चलता, और बहुत सारे मतलब बच्चे वहां पे जख्मी हो गए हैं अभी। सर अभी बहुत सारे थाने उल्टा में सर आया था, थाने वाले हम लोग को ही मारने लगा, बोल रहा कि सब अपने अपने रूम में चलो, ऐसे करने लगा, पूरा बच्चे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, सबको पकड़ रहा था, बोल रहा था ले जाएंगे जेल में, ऐसे वैसे मतलब धमकी दे रहा था, धमकी। तो आपके हिसाब से कितने आपके लोग जख्मी हुए? हमारे लोग तो बहुत कम से कम 10-12 जख्मी हुए हैं, और उधर से नहीं हुए, उधर से जख्मी नहीं हुए, क्योंकि ईटा पत्थर उधर से ही चल रहा था, इधर से नहीं चल रहा था सर। सर हम लोग मैच देख रहे थे हॉल में, तो वो लोग सर बड़ी एलईडी लगी हुई है, यस सर बड़ी एलईडी लगी हुई है, तो हम लोग मैच देख रहे थे सर, सर जैसे मतलब हम लोग जैसे 10 ओवर हो गया तो मतलब मैच का माहौल बदल गया था, इंग्लैंड जीतने वाला था, तो हम लोग मतलब जाने लगे,
तो ये लोग मतलब उन लोगों को लगा ये लोग डर के भाग रहा है, वो लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे करने लगा। तो हम लोग गुस्सा गया सर, हम लोग भी मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाने लगे। उसके बाद सर वो लोग एक मतलब पूरा ग्रुप बना लिया सर, सब लोग घेर लिया। फिर वो लोग मतलब जुर्मुस को बोल रहे हैं वार्डन सर को, सर ये लोग इस्लाम मुर्दाबाद बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग जुर्मुस कैसे बोल रहे थे हम दर्दी लेने के लिए सर, ऐसा हम लोग कुछ किए हुए नहीं थे। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है सर, जो वो लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे हम लोग रिकॉर्डिंग किए हुए हैं सर। उसके बाद सर हम अपने रूम जा रहे थे तो वो बोल रहे हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो सर थर्ड या फोर्थ ईयर के सीनियर थे, तीन चार सीनियर सर मिल गए सर मेरे को मारा, ये मैंने पूरा फाड़ दिया सर। उसके बाद हम वहाँ से भागे, उसके बाद वो लोग पीछे सर पत्थर फेंक रहा था सर, तो पत्थर फेंका तो ये भाई लोग का मतलब लग गया। उसके बाद वो लोग छत में चढ़ के वो शीशा डब्बा घुसता वो सब फेंक रहा था, हम लोग हॉस्टल भागे। तब आपको क्या लगता है आपके कितने लोग घायल सर? मतलब अभी फिलहाल तीन बंदे आए हैं और भी है, एक भी शायद यहाँ पे लगाए उसको हम देखे। मैं हॉस्टल में बैरेज पार्टी कर लिया, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट सर तो वो सब रखते हैं सामान सब, तो वो यहाँ मलहम पट्टी कर लिया, वो एक दो बंदा हॉस्टल में ही है। तो कितने लोग थे जिन्होंने शुरू किया ये सर, आपको क्या लगता? सर उधर से मतलब पूरा ग्रुप बना लिया, लगभग 100 बंदे होंगे, वो पूरा ग्रुप बना लिया था, झुंड बना लिया था। थे सारे आपके कॉलेज के ही या बाहरी से? नो सर, सभी कॉलेज के ही थे। आप पहचानते हो सबको? हाँ सर, जो मेरे को मारा उसको पहचानते हो सर। जैसे आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था ना फाइनल, तो सब मैच देख रहे थे, तो मतलब जब 10 ओवर हो गया इंग्लैंड का बैटिंग तो वो लोग गाली दे रहे थे, तो हम लोग के सीनियर बोले कि तुम लोग रूम में चले जाओ नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, तो हम लोग रूम में चले आए, सब रूम में चले आए। उसके बाद वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे, तो हम लोग के विजय सर जो वार्डन है वो समझाने गए कि बेटा ऐसे मत बोलो, तो विजय सर को इन्होंने मतलब पकड़ लिया वार्डन। फिर तो हम लोग देखे तो हम लोग देखे तो बचाने गए उनको कि चलो सर को मारा था तो हम लोग सर छोड़ तो नहीं सकते थे, बचाने गए ऊपर से। तो वो लोग पूरे प्लान में थे कि इन लोगों को आज मारना है, तो ऊपर से वो ईंट चला रहे थे और शीशा चला रहे थे, पता नहीं सर कहाँ से लेके आए थे वो शीशा चला रहे थे। तो सर एक दो तो मुझे भी लगा, उसका शीशा जो पड़ा हुआ था सर, जब सर को लेके मैं अंदर आया सर हम लोग को भी अंदर कर रहे थे, तो सर को भी लगा और जो शीशा था वो मेरे पैर में लगा सर, मैं इंजर्ड तो सर बहुत लगा, चोट भी पीठ पे बहुत है सर। जो हमलावर थे वो सारे कॉलेज के ही लड़के थे क्योंकि बाहरी भी थे? नहीं सर, कॉलेज के ही थे। कितने लड़के थे जो हमलावर थे सर? उसमें लगभग 100 तो रहे होंगे 100। और आप लोग कितने लोग थे सर? मतलब पहले तो 4-5 लड़के मतलब सर को बचाने, उसके बाद मतलब पूरे हॉस्टल के लड़के आ गए हम लोग को बचाने के लिए। तो मुझे चला नहीं जा रहा था तो मुझे उठा के ला रहे थे वो सब, मतलब ऐसे ऐसे हो गए थे साइड में। तो ये कितने नंबर हॉस्टल की घटना है वहाँ पे? सर वो थर्ड और सेकेंड हॉस्टल की। तो कितने विद्यार्थी कुल रहते हैं हॉस्टल में? सर 350 लगभग। तो कश्मीरी लड़के कितने पढ़ते हैं वहाँ पर? वही 150-200 के करीब होंगे। तो बाकी आप लोग जो हिंदू में कह सकते हो कि है? नहीं सर, अलग अलग से? नहीं सर, ऐसे नहीं है। मेरा जो रूममेट पहले था वो मुस्लिम था पहले, अभी भी मतलब मेरा सर दोस्त भी है मुस्लिम, ऐसा कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम आज तो हुआ ही नहीं है सर। तो ये कहाँ से आपको कहाँ से शुरू हुआ, आपको क्या लगता है? सर उन लोगों का प्लान था कि इन लोगों को कैसे भी मारना है, इन लोगों को मारना है। कोई पहले आपकी लड़ाई थी किसी से कि आज ही ये सारा शुरू हुआ? नहीं आज ही सर शुरू हुआ है। अब आपकी क्या मांग है? सर मांग ये है कि अगर हम इंडिया में रहकर अगर सेक्युलर नहीं है तो सर बताइए, इंडिया तो पाकिस्तान इंडिया तो पंजाब में ही नहीं इंडिया सर है सर, सर पंजाब तो इंडिया में ही है ना सर, अगर हम इंडिया में रहकर सेफ नहीं है तो सर बताइए हम कहाँ जाए। आज एक्चुअली मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड से, जो कि कुछ कश्मीरी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इंडियन हैं और इंडियन हम लोग थे, तो हम लोग बगल में हम लोग खड़े हुए थे, तो वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला लोग, और उसके बाद भारत मुर्दाबाद बोला, जिससे हम लोग को ये हमारा फर्ज बनता है, देश का नागरिक है हम, संविधान को अपने मानते हैं, धर्म मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है मेरा, हर धर्म को इज्जत करते हैं, इसलिए हमको इस बात को कंप्लेंट करने वार्डन लग गए। तो उसी क्रम में वो लोग पत्थरबाजी किया, जिसके कारण में वार्डन के बचाने के चक्कर में हमारे अभिषेक राज हैं उनको चोट लग गया, और वो लोग बोला लोग कि इस्लाम के खिलाफ ये लोग बोला है, इसलिए हम ऐसा किए हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन देख सर, लेकिन हम एक स्टूडेंट हैं, हम अपने संविधान को मानते हैं और ये मेरा देश धर्म निरपेक्ष देते हैं, हम हर धर्म को इज्जत करते हैं, ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि हम एक स्टूडेंट है। वो लोग ऐसा बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, ये गलत है, क्योंकि हम लोग धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं, हम हर धर्म को यहाँ इज्जत करते हैं, क्योंकि जो मेरा रूममेट रहा है वो भी मुस्लिम रहा है, हर धर्म जिस हम यहाँ आके पंजाब में सिख बहुल इलाका है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ भी हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हैं कश्मीर जो कि हम लोग अनसेफ फील करा रहा है।
हालांकि जेकर विद्यार्थियों की गल्ला सुनीए जिहड़े विद्यार्थी अभिषेक विवेक ते होर जिहड़े विद्यार्थी ने जिन्हां ने अपना दस्सिया कि असीं बिहार नाल संबंधित तां उन्हां ने एक बिल्कुल एक गल साफ कही हैगी है कि देश के खिलाफ जिहड़े हैगे ने उन्हां वल्लों नारे लाए जा रहे सी जिहदे विच गुस्सा आण तों बाद जिहड़ी हैगी उन्हां दी झड़प होई है। कुछ कई विद्यार्थी इस मामले दे विच मोगा दी जिहड़ी घटना वापरी हैगी है उहदे विच इह कहा जा रहा है कि कई विद्यार्थी जिहड़े हैगे ने वो जख्मी भी हो गए हैं, पर असल मामला की है ये भी जांच का विषय बनया हुआ है। पर एक कॉलेज के जेकर कहा जाए कश्मीर के विद्यार्थियों वालों या किसी होर जिहड़े हैगे ने सूबे के विद्यार्थियों वालों इस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाने जिहड़े हैगे ने वड्डी घटना मनी जा सकती है, पर विद्यार्थियों के आपू अपने तर्क ने पर यह घटना वापरी क्यों, ये पिछे की असल कारण ने वह भी देखना बनता है। पुलिस जांच का जिहड़ा हैगा हिस्सा है। हुण तुसीं देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।